पर एक में परमात्मा का अनुभव करना है कि गुरु जी है, साक्षात श्री कृष्ण के अवतार है, उनके दर्शन होंगे। मुझे बहुत ज्ञान की बातें मिली क्योंकि मेरी वाइफ पिछली बार आई थी, किशोरी दाई का जिसमें हुआ था, बहुत कह रही थी कि तो मैंने मिस किया और बापू का हो रहा है और मैंने बोला इस बार कुछ भी हो जाए मुझे मिस नहीं करना है, बिकॉज ये लोग हैं जिनकी साधना ऐसी रही है कि जिनसे उनका अनुभव सुनने में भी हमें सीखने मिली। और मैं यही सोच के आया हूँ कि आज मैं यहाँ से इतना कुछ लेके जाने वाला हूँ, मेरा जो है ना पूरा बकेट भर के ले जाने वाला हूँ एक्सपीरियंस। आज मैं वृंदावन में हरिप्रसाद जी के वृंदावन में, वो हरिप्रसाद जिनको भगवान ने अपने प्रसाद रूपी बांसुरी दी है। आज अद्भुत अवसर है, पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया के यहाँ बैठा हूँ और पंडित शिव कुमार जी तशरीफ लेकर आए हैं। यूँ तो हम बहुत पुराने दोस्त हैं, भाईचारा है, शिव जी से तो मेरा पक्का भाईचारा है। हमने एक साथ प्रोग्राम पहले दिन किया था, वो 1955, और एक मज़ेदार बात बताऊं, हमने हमारा 50वां वर्ष दोस्ती का मनाया ग्रैंड मराठा में। आइए आइए, तो
ऐसी बात है। और हरि जी से भी 60s में हमारी मुलाकात बंबई में ही हुई, तब से बड़ा प्यारा प्यारा सा रिश्ता चल रहा है। ये एक बड़ी बात है कि ये जो हमारे दो दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ हमारी दोस्ती है, यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने घराने के बारे में कुछ बताता हूँ। हम जहाँ तक जानते हैं ये 1800 में शुरू हुआ उस्ताद घगे नज़ीर खान साहब से, मगर उससे भी पहले एक महाड़जी सिंधे जो ग्वालियर के राजा थे उनके यहाँ कोई संदेश लेकर गया था, उस किताब में लिखा हुआ है कि वो जो कोई संदेश लेकर जा रहा था वो मेवाती घराने का कलाकार था। तो थोड़ा सा आगे चला जाता है मगर 1800 की बात है, और 200 बरस में ही सारे घराने लपट जाते हैं, 210 नहीं पहुंचता कोई घराना। घर आना हमारे कटियार कालजात घुसली उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान जहाँ बैठ के रियाज कर लेता है जिसके दर पे उसका वही घराना होता है। तो उस्ताद घगे नज़ीर खान साहब, उसके बाद मेरे पिताजी के मामा जी पंडित नथुलाल जी, चिमन लाल जी, फिर मेरे पिताजी पंडित मोतीराम जी, मेरे चचा पंडित ज्योतिराम जी, बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी, पंडित प्रताप नारायण जी, और बस हम तक ऐसे ही पहुँचते हैं। बाद में तो ये आ जाते हैं पंडित रतन मोहन जी शर्मा, दुर्गा जी, हर एक का अपना अपना धर्म है। आपको एक आध कोई बंदिश सुनाते हैं उसके बाद में बातें करेंगे थोड़ी और। जय हो बेटा, आइए आइए। Oh.
गरुड़ध्वज मंगल पुंडर काक्ष मंगलायतरो मंगलायतरो हरि मंगलायतरो हरि अवतार Yeah.
Tera
Bye.
गुरु गोपाला में मैं बम्बई आया था, तो आया और हमारे बड़े अच्छे मित्र तो नहीं कहेंगे, हमारे मदुरा जी के गुरु थे, उनका नाम वो बाद में आया, उनका नंबर बाद में लगा, नवरंग मास्टर जी ने, बिल्कुल नवरंग साहब ने एक प्रोग्राम किया, नहीं नहीं आई एम सॉरी, नवरंग साहब ने, ये उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब ने प्रोग्राम किया जी, उनके उनके सब शिष्यों ने मिलके, वो मुनीर खान साहब की पुण्यतिथि मनाई, तो हम नए नए आए थे तो हमको लिया गया, भाई आप भी आप भाई ये अच्छा, तो हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण भौबे, वो लिखते थे, वो मेरे पास आए, अरे जसराज जरा बच गए। मैंने कहा क्या भाई साहब, बोले आज सब के सब जो है तुम्हारे पर टूट पड़ने वाले हैं, क्यों कि तुम उस्ताद अमीर खान साहब को फॉलो करते हो और यही सब कहेंगे कि क्या गाना गाते हो, अमीर खान साहब की नकल करते हो। आप लोग जानते होंगे कि घर में कोई बुजुर्ग और अच्छा पवित्र आत्मा होता है तो पित्तर हो जाता है, पित्तर कहलाता है। हाँ, तो ऐसे सोचा तो उनकी याद आई पित्तर साहब की, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, तो उनका नाम था तेजनाथ, उनके नाम से ये बंदिश बनाई, अब थारे बिन कुण मोरी राखे लाज, थे तो तेज महान कहाओ, थे तो मतलब आप तेज महान कहाओ तिमिर हरो महाराज, जिन जिन धाए तिन तिन पाए, मुँह पे विपदा बड़ी भारी, जस संवरत नहीं, संवरत मतलब समझ में नहीं आता, जस संवरत नहीं काज, अब थारा बिन कुण लाखे लाज। तो अब वही कहता हूँ ना कि जो राखे लाज
उस दिन ये बंदिश एक दिन या दो दिन पहले बनी होगी, मैंने शुरू किया तो तबले वालों की महफिल थी जिसमें सब लोग तबला ही नवाज एक से एक बैठे हुए। अब मैंने थोड़ा सा और विलंबित गया तो सबको तीन ताल लगती है, पहले नहीं समझ में आया। और हमारे साथ बैठे हुए थे ये निखिल बाबू तबले पे, अब सब बहुतों को नहीं समझ में आया कि वो इसका ताल कौन सा है। कभी की भूल लग जाती है ना सबको, इतने बड़े बड़े उस्ताद बैठे, भूल लगना वो तो किसी कोई और ऊपर से जादू कर रहा था जिसको आप हम जानते नहीं है। नहीं समझ में आई तो हमने कहा बाबा तीन ताल लगाओ, तो तीन ताल उनको अजब सी तीन ताल लगाई। नहीं हमने कहा झप ताल लगाओ, तो झप ताल कहीं से लगाया उन्होंने। खैर एनीवे उस दिन जो ये उसमें आए थे उस्ताद आमिर खान साहब भी आए थे, नियाज अहमद फैयाज खान वो भी आए थे, तब तो बहुत बाल थे, चमड़ी करने आए थे, कोई कुछ बोला ही नहीं सच में। तो बस ऐसे है कि ऊपर वाला लाज रखता है तो बन जाती है बात, नहीं तो। और वो भी हमको कैसे, वो भोबे साहब ने पहले आके बता दिया कि जसराज तो आज तो मुश्किल है, तुम जरा संभल के जाना। तो ऐसे किसी के मुंह से कुछ बोल देता है, नहीं तो हम तो हमारे ध्यान में कुछ भी गाते थे, जो गाते थे वही गाते। और वो गाना एकदम उस्ताद आमिर खान के आसपास नहीं गया, जबकि हम दिल से फॉलो करते थे उनको। वो एक मन में घुसा दिया है, सब ये कहने वाले हैं कि ये तो उस्ताद आमिर खान साहब को गाता है, और बात भी सच थी, कोई झूठ तो थी नहीं। और उस जमाने में मैं क्या, जो भी नया कलाकार उठता था उस्ताद आमिर खान साहब को फॉलो करता था, गुलाम अली खान साहब को तो फॉलो करने वाली बात ही नहीं बनती थी। तो जान बची लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ऐसा कभी नया नया होता है ना, तो सब टूट पड़ते हैं कि इसको कहीं से पकड़ो। मगर वो एक दिमाग पे घुसा दिया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट हो गया सच में, सच बात। शिवजी ने भी सुना ना बहुत पहले, आमिर खान साहब को फॉलो करता था आराम से। अनजाने में होता है, कोई गाना वही है जो सर पे चढ़ के, जादू है जो सर पे चढ़ के बोल रहा है। ये जो पंडित जी बात बता रहे हैं, सबको समझने और सीखने की बात है, और ये बात वही कह सकता है जिसने अपना रास्ता अलग अख्तियार करके साबित कर दिया। वरना लोग कहेंगे अरे नहीं साहब, मैं तो आमिर खान साहब को नहीं, उनको सुना नहीं कभी भी मैंने। वही कह सकता है इस बात को स्टेज पे बैठ के, जिसने उस पथ को छोड़ करके अपनी डगर बनाई हो, उसको साबित किया हो दुनिया भर में। तो पंडित जी इसी के जुड़ा हुआ एक प्रश्न, आपने बंदिश की बात की, मैं पूछूं कुछ ताकि लोगों को कुछ, मुझे जवाब आएगा तो कहूंगा, नहीं तो माफ करिएगा। नहीं जवाब देंगे तो कौन देगा। देखिए बंदिश में जो कविता होती है, वाह, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कई लोगों का सोच है, अपना अपना सोच है कि गायन में शब्दों का महत्व नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते थे, आपने उनको गलत साबित किया, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि शब्द को गौण कर जाते थे, क्या अस्थाई है क्या अंतरा है किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा, शब्द क्या कहे जा रहे हैं। और गायक के पास एक इतना बड़ा ये आयुध है शब्द का, आपने उसको ढूंढ निकाला, शब्दों की ऐसी रचनाएं ली आपने, और राग क्या कह रहा है, राग का स्वरूप क्या है, वैसे शब्द लाए।
चलो सखी सौतन के घर जाइए। बताइए, आप ही गाते हैं जी, और जो भटियार में दुर्गा क्या बंदिश गाते हैं वो जग नहीं अपना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राग क्या कह रहा है, उसकी तरीके से आपने शब्दों को लिया और ऐसी सुंदर बंदिशें की, ये कैसे आपने, कैसे खोज शुरू की, कैसे इससे मार्गदर्शन मिला गया लोगों को, ये थोड़ा सा मैं आपसे सम। नहीं नहीं, मुझको मैं सच बताऊं या बना के बताऊं कि मैंने ये सोचा सच बात तो ये है, आप बना के बता ही नहीं सकते, आपने साबित कर दिया कोई नहीं अपना ये जगत रैन का सपना, ये भटियार में बंदिश। उस दिन क्यों हुआ था, उसके साथ में पीछे कुछ कुछ बातें होती है। दो दिन से मधुरा जी पता जी क्यों झगड़ा कर रही थी कर रही थी सच में। ये तो मतलब स्त्री धर्म का ये जो भी कहिए और वो भी गरम तो बस उनसे अनबन चल रही थी। तो कोई नहीं अपना ये जगत रैन का सपना, समझे क्या, समझ बूझ मन मेरे जो चाहो तरना, नित हरि को भजना मेरे मना। कोई नहीं अपना ये जगत रहने का सपना। तो ये बंदिश ऐसी थी जो हमारे पंडित शिवकुमार जी बता रहे थे कि भटियार की रचना। ऐसे तो मतलब इसके पीछे कुछ ज़रूर रहता है कि मैं ऐसे रास्ते में जा रहा था तो उस्ताद फैयाज खान साहब की एक रिकॉर्ड लगी, रामकली की, उन संग लागी अखियां, वो मुखड़ा हमें इतना खूबसूरत लगा तो उसके ऊपर से ऐसी एक उपज आई।
रास्ते चलते चलते एक रेडियो रेडियो में या कहीं रिकॉर्ड लगा रखी थी, थोड़ी देर सुना और वो हमारे दिमाग में, वो कहते हैं ना संगीत वो है जो सर पे चढ़ के, जादू है जो सर पे चढ़ के बोलता है, तो वो तो बोल हमें याद नहीं हुए मगर ये गाने लग गए और मुझे भी अच्छी लगती है ये। तुम पर वारी जाऊं मैं श्याम सुंदर नंद लाला, मधुर मधुर मुरली बजाओ गोपियन संग रास रचाओ, मधुर मधुर मुरली बजाओ गोपियन संग रास रचाओ, मथुरा न जाओ गोपाला, नैया लगा दे मोरे प्यार, नैया लगा दे मोरे प्यार आजा, तुम बड़े गरीब बार खाजा, तुम बड़े गरीब मजदार भवन भवर में आन बजे पार करो सरकार, नैया लगा दे ए मोरे पार, नैया लगा मझधार भवर में आन बजे पार करो सरकार, नैया 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 लगा दे मोरे पार, मझधार भवर में आन बजे पार करो सरकार, नैया पार नहीं लग रही है, मैं क्या करूं सम नहीं मिल रहा यार, मझधार भवर में आन बजे पार करो सरकार, नैया लगा एक बार और ट्राई कर मोरे पार, मझधार भवर में आन बजे पार करो सरकार, नैया लगा दे ए मोरे पार, नैया सा रे बा बा रे रा रे बा रे रा रे रा रा रे बा 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 रा मर रा रे रा रे रा लगा दे धनी धरे धरे गाँव माओ पधानी बजा अमर धगा अमर धगा अमर धने मोरे पार, नैया लगा। अब थोड़ा सा शब्दों को समझें, शब्दों को समझ के अगर गाते हैं तो आपके गाने में वो भाव आता है जो आप कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं। अगर शब्दों को नहीं समझ के गाते हैं गाना, शास्त्रीय संगीत तो गा जाएंगे मगर संगीत में भाव जो पढ़ना चाहिए, जो आपके मन में या पब्लिक के मन में आता है वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या गा रहा हूँ। अब नैया लगा दे प्यार अगर कहना है तो ज़रा सा नतमस्तक होकर कहना पड़ेगा कि नैया लगा दे प्यार, और उसको महसूस करना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं।
आपकी नैया किस तरफ जा रही है, कहाँ क्यों डोल रही है ना? नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है बेटा, समझने की बात है। नहीं, समझ के हंस रहे हो ना। अब देखो, एक हमारे जो मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु थे महाराणा जयवंत सिंह जी, प्रचंड प्रकांड पंडित थे और वो भी मेवाती घराने के थे। उस्ताद गगनेंद्र खान साहब के बेटे थे, मुनव्वर अली खान साहब, उनसे उन्होंने सीखा। तो उनकी संगत में इसका अर्थ समझ में आया कि क्या चीज़ है। और उनकी बंदिश है माता काली का, बड़े भाई साहब का संगीत है, उनके शब्द हैं। कुछ पूछना चाहेंगे तो बताइए, अगर मैं जवाब जानूंगा तो बताऊंगा, नहीं तो अंगूठा हिलाऊंगा। मेरा नाम चिन्मय गौड़ है, मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ, यहाँ वृंदावन गुरुकुल में बांसुरी सीख रहा हूँ। वाह वाह। और वायलिन के अंदर मास्टर्स कर रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स MS यूनिवर्सिटी से। मेरा एक सवाल था गुरु जी कि गंडा बंधन शागिर्द, जो गंडा बंधन का रिवाज रहता है, उसका आज क्या महत्व है? और जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ तो हम क्या समझे, उसको कैसे अपनाएं, या मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, गंडा वो होता है, ये तो उर्दू शब्द है, गंडा बांधना, समझे। गंडा उसको कहते हैं कि जो गुरु आपके मन भाया उसके सामने हाथ कर दीजिए कि मुझे गंडा बांधिए उस्ताद। अगर वो बांधा तो बांधा, नहीं तो नहीं बांधा। अगर वो भी सही कलाकार है, अच्छे मन का है, तो आपकी स्थिति को जानेगा कि आप कहाँ हैं। अगर आपकी स्थिति उनसे मिलती है तो गंडा बांधेगा, नहीं तो नहीं बांधेगा। और गंडा बांधने का मतलब ये होता है कि जैसे राखी बांधती है ना बहन, नहीं नहीं हंसने की बात नहीं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती है ना, तो वैसे ही उस्ताद के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसने गंडा बांधा, ये मेरा शिष्य है। एक और सवाल था लास्ट, संगीत और अध्यात्म दोनों अपने आप में जुड़े हुए हैं। हाँ, कैसे कुछ मुझे बताइए आप। नहीं नहीं, कैसे, मैं कोई उसकी लिंक थोड़ी जानता हूँ कि भाई ये लिंक रोड है, इसमें चले जाओ। जीवन का अनुभव कुछ, नहीं नहीं, ये समझो कि वो चाहे फिल्मी संगीत हो चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो, अध्यात्म तो है उसमें, क्योंकि संगीत है। बस अध्यात्म में, अगर संगीत को अध्यात्म से बांधना है तो आप जैसे भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, वो तो संगीत में है और अध्यात्म पूरा भरा पड़ा रहता है। तो आप भजन गाइए अच्छी तरह से, अजब तेरी दुनिया मालिक, अजब तेरी दुनिया मालिक, अजब तेरी दुनिया मालिक, अजब तेरी दुनिया मालिक, को जाने को जाने, को जाने को ना जाने, को जाने को ना जाने, जो जाने वालो न जाने, जो जाने वालो दुनिया, अजब तेरी।
मन में को मन मधवारा को मन में को मन मधवारा जो जान के मगन हो जान जो जान के मगन हो जान सो तो है पहचाना मालिक जग तेरी दुनिया आजा बहना तेरी दुनिया उसमें हम दोनों हैं हम सब हैं और ये जब उसकी करिश्मा है कि देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा को पैदा किया है पंडित हरिप्रसाद जी को पैदा किया है और कितने अच्छे अच्छे कलाकारों को पैदा किया है राइटर्स हैं थिंकर हैं साइंटिस्ट हैं अजब दुनिया है उसकी आपके सुरों के द्वारा सहस्त्रों लाखों करोड़ों जीवों को हुआ है ये हम अनुभव करते रहे हैं कि हम प्रशंसा के शब्द नहीं बोल सकते कि ईश्वर ने ठाकुर जी ने कृष्णा ने जो आपको सिद्धि दी आपने साधना करके प्राप्त करी है आपके भक्ति गायन से स्वरों की जो साधना प्राप्त हुई है और शब्दों का तालमेल जब होता है चाहे अष्टछाप कवियों को गाएं चाहे जितने भी संतों को गाएं सुनते सुनते भक्तों को भगवान के दर्शन की अनुभूति होती है तो मेरा प्रश्न नहीं है जिज्ञासा है मेरे मन में था कि पंडित जी तो स्वयं वृंदावन है आप वैष्णव हैं आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और वृंदावन में बैठे हैं भाई वृंदावन में बैठे भी हैं आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं तो किसी भी स्थिति में जब आप साधना में रहते हैं गायन में रहते हैं जब आप अभ्यास में रहते हैं ठाकुर जी के सामने रहते हैं तो आपको मेरा मन कहता है कि कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के तो दर्शन हुए ही होंगे देखो सपने में तो मुझको जब मैं नहीं गाता था इतना मतलब सारे गामा शुद्ध किया था कुछ कुछ गा लेता था तभी आ गए थे तो उन्होंने दर्शन दिए और वो नंग धड़ंग बैठे हुए थे बाल रूप में मगर आवरण ऐसा लग रहा है कि महाराजा धीराज बैठे हुए जो जिन्होंने राजा महाराजाओं की मतलब महफिल में बैठे हैं तो उनको मालूम होगा कि उस टाइम पे कोई राजा के यहाँ बैठते थे तो जो भी उनके यहाँ के कलाकार जो बाहर के आए वो कलाकार सारे अपने अपने साज लगा के यूँ बैठ जाते थे सामने लाइन लगा के तो उसमें हम भी बैठे हुए थे और बाई चांस सेंटर में बैठे हुए थे एकदम सन्मुख उनके बाकी यूँ अर्धचंद्राकार बना रखा था तो मुझको वो अपने पहले तो यूँ पैर लगा के यूँ तकिए के साथ बैठे हुए थे फिर ऐसे उठ के बोले कि जसराज तुम जो गाना गाते हो वो मुझको जल्दी पहुंचता है और ये पूजा नैवेद्य पाठ ये तो इन लोग ऐसा लेफ्ट हैंड किया इन लोगों का है तो उस जमाने के वायसराय राजा नवाब महाराजा सारे के सारे यूँ बैठे हुए ये इनका है तुम तो गाओ और मैं सच कहता हूँ मैं तब तक कृष्ण जी को जानता नहीं था मैं तो हनुमान जी का उपासक था अपना शनिवार का उपास करता था एक रुपये के पेड़े लाता था बांट देता था और उसी से अपना उपास छोड़ता था तो मुझे अपने आप आई कि भाई तुम मेरे पास आ जा कहाँ भटक रहा है इधर उधर सच्ची प्रोग्राम हो गया सब कुछ हो गया जाने लगे एयरपोर्ट में तो शायद 15-20 आधा घंटा घंटा भर लेट हो गए होंगे उन्होंने कहा तो आप नहीं जा सकते हमारे जो हमें लेकर आए थे उनका पंडित जी मेरे घर में आप नहीं आए चलिए मेरे घर में चलते हैं वहीं खाना वाना खाते हैं अब तो आपको 4 घंटे और हैं उनके घर गए खाना वाना खाया जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा पंडित जी आप तो बाहर ही बाहर बैठे घर तो देखा ही नहीं हम
गए अंदर तो पहला ही गए तो वहाँ पे एक बड़ा सारा पिक्चर लगा हुआ था, पेंटिंग। हमने कहा ये आपके पास कहाँ से है? बोले हमें भी नहीं मालूम, 250 बरस से हमारे घर में चली आ रही है ये पेंटिंग। तब मैंने उनको कहा ये वही पिक्चर है जो हमें साक्षात्कार हुआ था। मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा मैं आपके पास भेज दूंगा, ज़रा सुनिएगा, आपके पास भेज दूंगा। भेज दिया हमने वो, उसको पिक्चर को टंगा दिया। घर में पॉलिश हुआ तो वो तो सारे फोटोग्राफ निकाल लिए, उसको नहीं उतारा, उसमें पानी गिर गया, खूब गायब हो गए। हमें बहुत पछतावा, ये क्या किया आपने, आप आए भी और गए भी हो, ऐसा कैसा किया आपने। तो एक बरस उसके बाद में हमारा केरल में प्रोग्राम था, तो मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी यहाँ से एक डेढ़ घंटे के रास्ते पे वो गुरुवायूर है, आप चलिए वहाँ पे। मैंने कहा यार सुबह की फ्लाइट है, तो बोले कुछ बात नहीं, हम बना जाएंगे, आके आराम करके फिर फ्लाइट पे जाएंगे। तो हम गए वहाँ, तो कपड़े पड़े उतार के भगवान का दर्शन वर्शन करके वापस जब आए तो एक लड़का आया, कोई 8 या 9 बरस के अंदर ही होगा, उन्हें आके ले लीजिए। तो मैंने कहा अरे आप तो आ गए, वही पिक्चर, आप तो आ गए। निका सर पे लगाया, ने पूछा इसके क्या है, इस जितने तुम्हारे पास हो सब ले आओ। उसने कहा नहीं ये आप ही के लिए है और मेरे पास कुछ पिक्चर ही नहीं है, वो लड़का बोला। तो मैंने कहा अच्छा इसके क्या है, तो वो कुछ बोले, इसके पहले मैंने सर में लगा लिया, कोई 10-15 सेकंड हुए होंगे, उसके बाद वो लड़का तो गायब हो गया, फिर मिला ही नहीं, कौन सी दुकान से आया था, कहाँ से आया था पता नहीं चला। हमने कहा भगवान अब मैं आपको ऐसे पकड़ूंगा कि जो भी मेरे पास आएगा उसको दिखा दूंगा, दे दूंगा, कुछ करूंगा। तो भगवान की कृपा से मैंने बहुतों को ये पिक्चर भेंट तो नहीं कह सकते, आशीर्वचन के रूप में दे दिया, उनका ही आशीर्वाद ले गया। पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया भी कह रहे हैं कि मेरे पास भी है, तो ये है। इसका अर्थ ये हुआ कि संवेदना और तादात में जो ईश्वर से आपका संबंध जुड़ा हुआ है, किसी न किसी स्वरूप में आपके साथ सुरक्षित हैं और रहते हैं और आपके साथ रूप में बांटते हैं, भगवान की कृपा है। और एक अभी 7-8 साल पहले मुझे ऐसे लगने लगा था कि या तो हमसे कुछ चूक हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, उनकी कृपा कम है। 2-4 बार उनसे पूछा महाराज ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी पहुँच नहीं आप तक पहुँचने की, ऐसा क्यों कर रहा। फिर से सपने में आए कि भैया मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूँगा, चिंता मत करो। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम आयशा खान है, एक वोकलिस्ट हूँ और साथ ही साथ क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही हूँ। वाह पंडित जी, कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि आप पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं जिन्होंने अंटार्कटिक सर्कल में किसी क्रूज के ऊपर आपने परफॉर्म किया था। जी बात तो सच है जी, तो ये मैंने पढ़ा था, डिटेल इतनी नहीं मिल पाई, तो आज मौका मिला है तो मैं जानना चाहूँगी अगर आप कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें कि वो कैसा अनुभव था आपके लिए। अंटार्कटिका मैं 6-7 बरस पहले गया था, 7 बरस हो गया, वहाँ पे पानी के जहाज में हमारा नाम कौन जानता था, किसी को मालूम नहीं था। हम उन्हें वहाँ ज़्यादा नहीं, 118 आदमियों की वो जहाज़ थी, क्योंकि छोटी जहाज थी और बड़ी जहाज़ हैं तो वहाँ जाती नहीं है। और वो उनको पता कैसे लगा कि मैं कोई गायक हूँ, तो वो कंप्यूटर से कुछ कुछ वो रोज़ाना की ये खबर वो खबर दे देते थे। 14 दिन का वो टूर था, एक दिन आया कि पंडित जसराज को डॉक्टरेट दिया है भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी ने, तो भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी ने हमको डॉक्टरेट दिया, वो
तो वहाँ पे तो लगा हुआ था ना कि पंडित जसराज नाम का भी कोई आदमी यहाँ पे चल रहा है। हमारे पास में आके कहा कि आप तो गायक हैं, आपको डॉक्टरेट दिया है। अच्छा, मालूम तो मुझको था कि देने वाले हैं, मगर ये पता नहीं था कि इतना जल्दी दे देंगे। तो सबने कहा कि भाई इसका गाना तो सुना जाए, जो मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या कि डॉक्टरेट मिला, तो इसके समथिंग, देर इज समथिंग। तो हमने कंप्यूटर लिए दो तीन, किसी में तबला, किसी में तानपुरा, किसी में हारमोनियम, जो कंप्यूटर होते हैं ना। तो तृप्ति जी ने हारमोनियम बनाई और तानपुरा बनाया और तबला अपने आप को टाँ टूँ टूँ टाँ टाँ टूँ टूँ टाँ करने लगे। तो हमने एक डेढ़ घंटा गाया साहब और सारी पब्लिक सुनती रही। उसमें हिंदुस्तानी तो मेरे ख्याल में एक ही लड़का था जो नीचे कुछ बर्तन वर्तन साफ करता था, और कोई नहीं था। सबको अजब गाना लगता है वो, जब समझते हैं, या तो समझते हैं या फिर वो हाथ पैर जो यूँ यूँ करते हैं उसको देखते हैं कि अरे गले से भी कुछ करता है, ऐसे ही हाथ भी कुछ करता है। तो ये अनुभूति हुई साहब हमको। ये करें ख्याल के बारे में बताइए। अरे यहाँ पे इतने लोग जो है ख्याल को क्या, ख्याल को निचोड़ के रख दिया, उनको क्या बताएंगे। मगर ख्याल एक अपनी चीज़ है। वो ख्याल है जिस ख्याल में आप रम जाएं, वो राग है। ये हर एक आदमी हर एक राग नहीं गाता बजाता है, भले ही एक आदमी को 100 राग जानता हो, गाएगा वो 4, 5, 6, 7 बस। अगर किसी ने फरमाइश कर दिया तो एक चीज़ को याद करके बता दिया कि भैया ऐसा है, और बाकी गाने में तो वो 7, 8, 10 गाते रहते हैं। लोग उनको सुनते हैं बाद में कहते हैं कि भैया ये क्या इतना बड़ा कलाकार, वो 4 ही राग गाता है यार। सच में तो ये एक मज़ेदार बात है कि उस 4 राग को ही हम जिंदगी भर सुनते रहते हैं उससे। और कोई कोई कहता है जो बहुत मतलब हर एक आदमी की समझ इतनी नहीं होती है कि ये जो गाता है एक ही राग, इसमें जो परसों गाया था और उसमें आज में कुछ अंतर तो है, वो अंतर नहीं समझ में आता है। और वो गाने वाले को भी नहीं समझ में आता कि परसों मैं गाया था और आज वो गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ। आप देखिए बड़े कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, उनकी दरबारी सुनिए, आमिर खान साहब की दरबारी सुनिए, बड़े गुलाम अली खान साहब की दरबारी सुनिए, फैयाज खान साहब की दरबारी सुनिए, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की दरबारी सुनिए। दरबारी तो वही है मगर मजाल है कि किसी का गाना एक दूसरे से टकरा जाए नहीं। उसमें क्या अंतर है, उस अंतर को जाने, मेरा ख्याल है कोई न जाने। बहुत सारे राग ऐसे हैं जो इतने से हैं, उनमें बंदिशें 4-5 होती है, और कईयों की तो ऐसा है कि बंदिश वो एक ही होती है। जैसे अब आपने नाम सुना होगा शायद, बंगाली जाति का नाम सुना होगा, राग का नाम सुना है बंगाली? नहीं। बंगाली भी है, बराड़ भी है, बराड़ी, ये दोनों भैरव की स्त्रियां हैं। हमारे यहाँ के एक शास्त्र ये भी है कि हम जो मानते हैं 6 राग और 30 राग नहीं मानते, मतलब 36 मिला के, दोनों को मिला के 36। कई लोग कहते हैं 6 राग और 36 राग नहीं, वो 36 का हिसाब जो है वो 6-6 होता है और 30 का हिसाब जो है 5-5 स्त्रियां होती है हर राग की। तो मैं बताता हूँ भैरव की, भैरवी, बंगाली, बरार, मधुमाधवी, सिंधवी, ये 5 जो है ये एक अलग हिसाब है यार, जान दो। ये भैरव जी की स्त्रियां हैं, उसमें से बंगाली जो है वो इतना छोटा सा राग है। नहीं आए हो रंग राग
तेरी मैं प्रीत कैसे जानिया नहीं आए रंग राए। ये बंगाली है मगर इतनी सी है, अब आप सोच सोच के अलाप निकाल सकते हैं। नहीं आए नहीं आए रंग रात तेरी मैं कैसे तेरी मैं कैसे प्रीत जाने सगरी रन मोए तर पता बीती भो रही पर बात तेरी मैं। इतना सा है बंगाली। ये धुलिया मलार मतलब वो मलार जिसके सोच में ऐसा लगता है कि कहीं 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 इस हवा में बारिश है, कहीं दूर बारिश हो गई तो उसकी ज़मीन की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, वो है। और कभी बारिश आ जाती है। ये मैंने अनाउंस करके गाया था और वो एनके सिंह उनके घर में दिल्ली में मैंने ये अनाउंस किया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि, और वो इतना बड़ा चांद निकला हुआ था एकदम साफ आकाश मगर बेतहाशा गर्म 8 मई 1998 होगा वो बुद्ध जयंती थी। उन्होंने जब मैं गा चुका तो अनाउंस किया कि अब मैं आखिरी गा रहा हूँ धूलिया मल्हार गा रहा हूँ। उसका असर ये हो सकता है होता है कि थोड़ी 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 धूल उड़ती है, उस धूल में ऐसा एहसास होता है कि कहीं बारिश हो, बारिश की खुशबू आती है और कहीं कहीं आसपास बारिश हो जाती है। उसकी अजब मेहरबानी हुई कि मैंने 25 मिनट गाया और उसके बीच में 5 मिनट पिछले में बारिश ही बारिश हो गई। वो तो होना वही है जो राम रची राखा है, क्यों हुआ मैं थोड़ी जानता, मुझे तो खुद नहीं मालूम था। तो ऐसा है राग का असर भी होता है। हवेली संगीत लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत ही है, लेकिन है, मगर उसमें जो एक अलग अलग चीज़ें हैं या जो आपने उस वक्त सीखा था और वो जो मंदिरों में गाते हैं जो श्रीनाथ जी के मंदिरों में गाते हैं, उन लोगों को बॉम्बे लाकर बापूजी उनके साथ बैठ के सीखते थे एंड द स्टूडेंट इन हिम वाज इज स्टिल सो हाइपर एक्टिव आई कांट टेल यू। तो वो आप ज़रूर बताएं प्लीज़। हवेली संगीत, हवेली संगीत हम जिसको कहते हैं उस संगीत का नाम है पुष्टि मार्गी। पुष्टि मार्गी संगीत है ये। ये तो रेडियो वालों को कोई नाम नहीं मिला तो इन्होंने ठोक दिया, ये हवेली संगीत है। और वैसे भी ठाकुर जी की हवेली कहलाती है, ठीक ही किया। पंचशती सूरदास जी की पंचशती के लिए गाना था, उस कमेटी में तो इतने कलाकार जिसको चाहते ले आते, हमसे ही कहा कि जसराज तुम गाओ। पहले तो हमने कहा मुझे तो महाराज मैं गा तो सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे गाते भी रहता हूँ, मगर इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि जिसको मैं आपको पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर पाऊँ। तो कहना ही नहीं, हम आप लोगों को आपको सहायता करेंगे, जो आप सोचेंगे उसको बुला लेंगे। तो बाबा श्याम मनोहर जी गोस्वामी ये और
उन दिनों में प्रथमेश जी एक बड़े अच्छे गोस्वामी बड़े बालक थे जिनका नाम प्रथमेश जी था। वो एक दिन आए बताने के लिए, पखावज लिया और इतना धमाधम बजा कर कहा बस बेटा आप सब चलते हैं। ये बताया उन्होंने, पखावज बजाते रहे, खूब बजाई और चले गए। खैर हमने 5-6 वालों से कहा कि ये तो पखावज बजा के चले जाएंगे तो कैसा थोड़ी पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दूसरों को बुला लेते हैं। तो वहाँ के जो कीर्तनीय थे उनको बुलाया, कहा कि ये है और पहले तौबा तौबा कर लूँ। तो बात वो आए और कहा कि इनको सिखा, माफ़ करना, इनको हम क्या सिखाएंगे। अरे मैंने कहा जो चीज़ नहीं जानते हैं उसके लिए तो विद्यार्थी हैं कि नहीं। तो हिम्मत की और अच्छा सिखा। और जब इसमें हम अंदर घुसने की कोशिश की तो पता लगा कि अथा सागर वो है और ये भी अथा सागर है, बहुत ज़्यादा है, इतना गहरा है ये पुष्टि मार्गी संगीत, इसमें सब कुछ है, ध्रुपद है, धमार है, मतलब हमारे जैसे हम ये। और इसमें ही वो जैसे गज़ल वज़ल में जब बजाते बजाते लगे वगैरह बजाने लग जाते ना, वैसे इसमें भी चलन दिए है। तो हम आपको सुनाते हैं उसमें। इसमें शब्दों का ये मज़ा है, चढ़ गई ना सोहा समझेंगे तो आपके सामने पिक्चर खड़ा हो जाएगा। मैं तो देखता हूं गाते गाते सच।
कपाल नंदलाल में रसिक सदा भले जा गाने में शब्द तो होते ही हैं, उसका आप प्रयोग करो ना करो डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी, मगर आप उसको समझ के गाएंगे, आपके दिल को छुएगा, आपके दिल को छुएगा। सादर प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम दिव्या है, आज संगीत की साधना करती हूँ। आपने थोड़ी देर पहले राग के बारे में कहा था कि वो एक ही राग है, उसको बड़े बड़े गायक गाते हैं और अलग लगता है, अपने आप होता है वो। जी, उसी से मिलता जुलता एक जिज्ञासा है कि हम बहुत पुरानी किताबों में पढ़ते हैं कि सा लगाया और राग खड़ा हो गया, और ऐसा भी गुंडेचा ब्रदर्स ने एक जगह कहा था कि हर राग में सा अलग तरीके से लगता है, तो उसके बारे में कुछ। ने बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने जी, क्योंकि हर राग का जो सा है जी, उसको लगाने का अलग तरीका है। ऐसा उठा के सा ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके आसपास के सुर अपने आप दिखना चाहिए, और कलाकार को तो दिखता है, उसी अनुसार लगाते हैं। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हर राग का सा अलग नहीं होता, सा तो एक ही होता है, मगर उसको लगाने का तरीका अलग हो जाता है, तभी सा लगाने से राग सामने आता है, ऐसा सही बात है। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, सही पकड़े हैं। 1972 में मुझको 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बुलाया था, तो मेरा लास्ट दिन प्रोग्राम था, तो ठीक है, प्रोग्राम तो था, हम गाने गए तो साहब एक अंधे आदमी को ला के कुर्सी लगा के उनको कहा बैठ जाओ महाराज। हमने गाना गाया, वो अपना सुन के, तो उनका परिचय दिया कि 3 दिन से ये साहब आते हैं हमारे पास में, कुर्सी का बेत से कुर्सी बनाते हैं, और 3 दिन से आते हैं, कहते हैं कि पंडित जसराज कब गाएंगे, कल गाएंगे, परसों गाएंगे, तो जिस दिन गाएंगे उस दिन उन्होंने कहा कि मैं देखिए इतने दिन से ये 10 रुपया जोड़ा है मैंने, और मुझे 10 रुपये की टिकट दे दीजिए। उन्होंने कहा टिकट तो है ही नहीं, बिना टिकट तो मैं इनका गाना नहीं सुनूंगा, बिना पैसा देके मैं इनका गाना नहीं सुनूंगा। कोई एक आदमी जो बिल्कुल आँखों से नहीं देख पाता और वो कुर्सी बनाता, तो कुर्सियों के जो बेत बना के, और तो ऐसी नियत वाला आदमी कमाली है। उन्होंने उनका 10 रुपया लिया और उनको स्टेज पे बैठा दिया। 1972 हमारे यहाँ थोड़ा सा बोलिए। गुरुजी दंडवत प्रणाम।
मेरा नाम प्रदीप गगलानी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारे घर में लास्ट 20-25 साल से आपके कीर्तन, सुबह भी आपके कीर्तन से होती है, शाम भी आपके कीर्तन से होती है। मैं ठाकुर जी सिन्हा जी भगवान का भक्त हूँ और श्याम बाबा मेरे गुरु जी हैं, मेरे भी हैं। और आप हम भाई भाई हुए गुरु भाई। और सर गुरु जी, बस इतना चाहता हूँ कहने के लिए कि चित्त स्वामी जी अष्ट सखा में से चित्त स्वामी जी, परमानंद दास जी या तो सूरदास जी को मैंने नहीं देखा है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। सूरदास जी को किसी ने नहीं देखा है, तो मैं आप में सूरदास जी या परमानंद दास जी या तो चित्त स्वामी देख रहा हूँ। और मुझे ये भरोसा है कि आपका कीर्तन सुनते सुनते मैं ठाकुर जी के पास थोड़ा नज़दीक पहुँचूंगा और आपकी कृपा ऐसी रहती रहे हमारे पे। और मैं दुर्गा जी आपका भी खूब खूब आज आभार मानता हूँ कि मैंने 6:30 बजे फेसबुक पे देखा और मैं दौड़ के चला है कि पंडित जी है, तो बस सब छोड़ दिया और मीटिंग कैंसिल करके मैं आपका कीर्तन सुनने के लिए आ गया। वाह, मैंने तो सुना दिया आपको, आपकी मेहरबानी। और बस आपका आशीर्वाद रहे। थैंक यू सर। जय हो महाराज, जय हो आपकी। 1952-53 की बात होगी, मुरारी संगीत सम्मेलन में प्रोग्राम, मैं और प्रताप भैया जो मेरे मंझले भाई साहब थे, पंडित प्रताप नारायण जी, उनके सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, ललित जी, ललित और जतिन का नाम आपने सुना होगा, उनमें से ललित साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो प्रताप भैया के बेटे हैं। तो हमने गाना गा लिया, उसके डीवी पलुस्कर साहब आए, उसके बाद जोग साहब आए और उसके बाद उस्ताद आमिर खान साहब आए, सारी रात की कॉन्फ्रेंस। तो आमिर खान साहब ने ऐसा गाया कि तबीयत बस, अब साहब बैठे रहे, अब उस्ताद अली अकबर खान साहब आए बजाने के लिए, तो हमारे मन में ये लगा कि सच करें कि अभी उस्ताद अली अकबर खान साहब क्या करेंगे। तो सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि आमिर खान साहब का गाना इतना ज़बरदस्त हुआ, उसके बाद में कोई अपनी तरबों से उस गाने को उड़ा दे उसका क्या कहा जाए, सच है। तो उस्ताद आमिर खान साहब का गाना और इन्होंने जो नट भैरों की जो तरबें बजाई, तो तरबों से गाना उड़ा दिया जा रहा से उसकी क्या क्या चीज़ थी सच का, ये वाली बात है। तो ऐसा है राग, दो लाइनें गोविंदा के बता देता हूँ बस। गोविंदा गोकुला नंद गोपाल गोपीवल्लभ गोवर्धन गोवर्धनो धरम धीरम गोवर्धनो उद्धरम धीरम त्वं वंदे गोमते प्रियम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वामनं विश्वरूपं च वामनं विश्वरूपं च
इतने बड़े कलाकार कह रहे हैं तो मुझे भी इस पे गौर करना पड़ेगा कि राग खड़ा कर। दूसरी बात, एक हमारे बहुत मित्र हैं, बहुत हमारे इलाहाबाद की रॉबिन चटर्जी, बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत आपका शुभ नाम रॉबिन चटर्जी। नहीं 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 नहीं, आप रिलीज करिए ना हुजूर। अच्छा हेलो जी, हमारे बहुत पुराने, हमारे इलाहाबाद के बहुत पुराने और भी मेरी दो तीन किताबें हैं और चार किताब आने वाली है और उसमें बहुत सी बंदिशें हैं, सब अपने ओरिजिनल बंदिशें।
और जितनी भी किताबें हैं लिखते रहेंगे, सब गुरुकुल को फ्री देते रहेंगे हमारे कलाकार। इट वुड बी माय प्लेजर। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक इतने बड़े कलाकार जो आते हैं यहाँ पर, वो अपने अनुभवों के बारे में बात करें, वो विचार यहाँ पर सभी श्रोतागण को बताएं, जिस और ये बातें यूजली पता नहीं चलती, सब इतने बड़े फैंस होते हैं इनके, लेकिन जो इनकी निजी ज़िंदगी है कि इनके साथ क्या बीती है, ये ज़्यादा कोई जान नहीं पाता है। तो इसके अनुभव से या जहाँ पर अनुभव हुआ है, सबको मिला है, आई थिंक दैट इज़ प्राइसलेस, एंड ये सभी को याद रहेगा। यहाँ आने वाला हर इंसान शिक्षा पाता है और अपने जो भी टूटा फूटा ज्ञान है उसमें बहुत सारा और सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, थैंक यू। ये जो कथन करते हैं और ये इनफॉर्मल बैठक है जिसमें हम लोग इतना नज़दीक इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के सामने बैठ के सब सुन पाते हैं, ये सब उनके अनुभव, तो ये अपने आप में एक यूनिक अनुभव है, एक बहुत सीखने को मिलने का अवसर इसमें प्राप्त होता है एज एन आर्टिस्ट हम लोगों को। और वो जो बड़े आर्टिस्ट लोगों का आप बुलाते हैं, उनको भी एक इनफॉर्मल और क्लोज़ एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो भी मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा ओपन आउट होते हैं, अनवाइंड होते हैं दैन बीइंग ऑन अ बिगर स्टेज। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा एक उपक्रम चालू किया है, बहुत स्तुति उपक्रम है। और हम लोगों जैसे यू नो जो आर्टिस्ट है, उभरते लोग हैं, तो उन्होंने तो हम लोगों को बहुत कुछ इससे पाने को मिलता है। गुरुकुल एक बहुत ही महान जगह है, पंडित हरिप्रसाद जी की हमारे चाचा जी हैं, और संगीत की शिक्षा, फ्लूट की शिक्षा यहाँ मिलती है। आज यहाँ एक बहुत खूबसूरत गैदरिंग हुई जहाँ मेरे चाचा श्री पंडित जसराज जी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए हमको, और उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी शेयर किए। फर्स्ट टाइम बहुत इंटरैक्टिव सेशन था इनका, जिनमें चाचा जी ने लोगों से बात भी की, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे सुनाए अपनी लाइफ के कि जो कि बहुत यादगार रहे, और बहुत ही बहुत मज़ा आया आज।